MDRT करना है, हो जाएगा, क्यों नहीं होता है। मगर आप एक स्वयं शिस्त रखी तो MDRT मतलब आपको 10 लाख कमाने हैं, आपको 10 लाख मिल जाएंगे। क्या वो कमिटमेंट आपके पास है? क्या वो काम करने की पैशन आपके पास है? क्या वो क्लाइंट आपके पास जो 40 लाख प्रीमियम देने वाले अपने पास है? क्या वो मेरे पास अपने मेरे धंधे का एजुकेशन, मेरे को इंश्योरेंस बेचने की कला पता है? क्या मुझे इंश्योरेंस के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ? अगर आप वो सारी चीज़ों के ऊपर आप भरोसे, बेसिक पॉइंट्स ये है कि आप अपना खुद का इंश्योरेंस कितना करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ निकाल के रखी, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। दूसरों के पॉलिसीज किए, दूसरे के घर में दिया जलाया और अपने घर में दिया नहीं जलाया। दोस्तों, इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। आज अपने पॉलिसी निकाला करोड़ों का बीमा और कल जाके उसका डेथ हो गया तो फिर करोड़ों रुपये, सपोज 100 करोड़ थे, 100 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ प्रीमियम उसने भरा था, उसका पॉलिसी का कितना प्रीमियम, 1 करोड़ का 6 लाख। दोस्तों, ये जो प्रीमियम आता है, ये प्रीमियम आपको एक बार कभी भी आपने ले लिया तो आप अपने को ना एक अच्छा महसूस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर, डेफिनेटली करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ना इंसान की वैल्यू होती है ना कमाने वाले की कीमत होती है। जिसके पास वो कमाता नहीं ना, उसको माँ बाप भी पूछता नहीं, उसके वाइफ बच्चे भी पूछते नहीं। तो आप ना कमाना शुरू करो और एक मैसेज दे दो अपने फैमिली को, डिवोट करो LIC को। और LIC क्या संस्था है, कितने पॉलिसी होल्डर है, LIC के पास कितने LIC के कितने कंपनीज है, और LIC खुद की बैंक कौन सी है सारा पता। LIC से ऑफिस कितने है, कितने आपको पता? आप LIC के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने कंपनी के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? कंपनी निगम गीत आपने क्यों नहीं पढ़ा? दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें ना, ऑब्जेक्ट क्या है, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट क्या है और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, और कंपनी अपने एजेंटों से क्या करवाना चाहती है, अगर ये आपको दोस्तों मालूम पड़ा तो दोस्तों आपकी नैया पार। दोस्तों, कौन सी भी चीज़ ना बेचने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताओ मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मुझे बताओ। सब पहले भरोसा रखना चाहिए। आप किसी को मिलते हो ना, आपको साफ सुथरा चलना चाहिए। अगर आप साफ सुथरा नहीं चले दोस्त, उसके पास में बाजू में ना प्रोफेशनल एजेंट रहेगा और आपकी नैया वहाँ ही रहेगी, उसकी नैया पार हो जाएगी। दोस्तों, रही यहाँ पे, जैसे आपने आप फील्ड में जाते हो तो बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं। बहुत अभी 10-15 दिन से लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मीटिंग कितना हो रहा है, क्लोज कितना हो रहा है, और फिर अपने कमीशन कितना मिल रहा है, ये सब सारा शुरू से आप कैलकुलेट करके रखते हो। दोस्तों, लास्ट महीने में आपको ब्रांच में जा करके पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे को MDRT का कमीशन कितना कम हुआ करके। एक पागल जैसे काम करें, ऐसे एकदम हौसला भरा जुनून आपका स्वभाव होना चाहिए। मतलब आप एक सिंसियर आदमी होना चाहिए तो ही आपका सफलता आपके काम में मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ ना, हमने बहुत बड़े बड़े कोर्स लगाए, बहुत सारे एजेंट को मैं देखता हूँ, मैंने एक कोर्स लगाया, इसका कोर्स लगाया। हो, ये कोर्स लगाने की क्या जरूरत है मुझे बताओ, मुझे क्या जरूरत है? क्योंकि आप ना रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, करते नहीं है। घर में जो काम करेंगे ना, सेटिस्फाई रहेंगे, और आप खुद के खुद बॉस हो गए तो रिपोर्टिंग किसको करने का? तो रिपोर्टिंग करना ही किसी को भी ना अच्छा नहीं लगता है, एग्ज़ाम देना अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, और फिर उसके पहले स्टडी करना भी अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, उसको पहले करे तो फिर उसका फिर रिजल्ट आएगा ना। अपने को एग्ज़ाम अपने को अच्छा होना चाहिए तो अपने को अच्छी स्टडी करनी चाहिए।
तो फिर आपको अच्छे से अपना पेपर लिख पाएंगे, फिर अच्छे से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों यही टाइप है, ये अपना इंश्योरेंस का स्कूल क्या बोलता है कि आप बहुत सारे लोगों से ना इंश्योरेंस क्या है करके ना वो समझा दीजिए, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी का डेप्थ कितना है, कितने करोड़ की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये अपना LIC है, ये मिनिस्ट्री के अंदर हम इतने पैसे जमा करते हो, सारे पैसे अपने चेयरमैन गवर्नमेंट के पास रखते हैं, उसमें खाली 5% उनको दिया जाता है और बाकी का जो है 95% वो दूसरी जगह पे लगा जाता है, टॉक्स में लगा जाता है, अच्छे अच्छे कंपनी के अंदर भी लगा जाता है जहाँ पे पैसा मिले LIC को, ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है या देश के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी के ऊपर प्रॉफिट LIC को ना कौन दे रहा है, उसी के ऊपर का प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉफिट उनको मिला। आपके पास 1 लाख की पॉलिसी, उसका प्रीमियम 6,000 आता है, 21 साल की पॉलिसी है तो 6,000 का प्रीमियम आएगा, सिंपल गणित है उसके अंदर। और उसने आपको ना ये स्कीम के बारे में आपको बात ही नहीं करनी है, खाली आपको ना बात ही करनी है अपने घर में कैसे है, आपको नौकरी है या धंधा है। पार्टी ने बोला यस, तो ये अपना एक उसके पास पैसे है तो हम लोग इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हैं। पार्टी को पूछते बच्चे कितने हैं, पार्टी बोलती है 6 बच्चे 4 बच्चे, तो उसको बोलने का आपका एक बच्चा जो है ना हम एक अडॉप्ट करेंगे और फिर उसका एजुकेशन भी हम ही करेंगे, मगर आपको एजुकेशन का फीस वगैरह सब हम लेंगे, बराबर है, मगर आपको क्या करना है मालूम है, एक नॉमिनल फी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी वो ट्रस्ट के अंदर आपको देनी है या रखनी है। हमने डिसाइड किया हुआ कि इंडिया के 10-12 लाख एजेंट हमारे से अच्छी ढंग से ट्रेन होकर चलते रहेंगे और फिर उन्हीं का MDRT हो जाएगा, इमीडिएट MDRT हो जाएगा, कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी के लिए और मतलब क्या है मालूम है, आपके पास प्रॉस्पेक्ट होने जरूरी है, अगर प्रॉस्पेक्ट है तो उनको आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, अगर प्रेजेंटेशन दिखाया तो आप कन्वर्ट कर सकते हो पॉलिसी में, प्रीमियम मांग सकते हो और फिर पॉलिसी का रिसिप्ट भी डिलीवरी करते हो, पॉलिसी का डिलीवरी करते हो, उसके बाद सेल्स आफ्टर सर्विस भी कुछ होना चाहिए ना दोस्त, वो भी आप करते हो, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे आप करते रहे तो दोस्तों एक ना आपके ऊपर एक प्यार बना रहेगा, तो कुछ भी काम रहेगा ना दूसरे का भी रेफरेंस देंगे तो भी फायदे में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, थैंक यू बॉस।